चबोशल जी दस्ताना किशन जी जब्बर मार अभी 30 मिनट का समय आपको दिया गया है। कि आप चलो मैच शुरू करना, मैच शुरू करना। आरिफ भाई इधर आइए। हाँ बराबर, आरिफ भाई इधर आइए। 45 मिनट और 50 मिनट में मैक्सिमम मैचेस पूरे हुए, इसलिए पौने 6 बजे मैच पूरे हुए। गेंदबाजी का एनालाइज, स्ट्राइक पर भगत सिंह और भगत सिंह के साथ स्ट्राइक पर भगत सिंह और नॉन स्ट्राइक एंड पर लक्ष्मण नीलेश स्ट्राइक। 11:15 हो चुके हैं और ये मौका पहली गेंद पर विकेट, 2 रन का पहला विकेट, गोल्डन डक भगत सिंह बैक टू द पैवेलियन। चलो जल्दी, लंबा लंबा खड़े नहीं रहना है प्लीज। अगर एक खिलाड़ी आउट होता है तो दूसरा बैटर जल्दी अंदर आना आवश्यक है, ज्यादा समय ना ले। नया बैटर भगत सिंह आउट होने के बाद लकी आए हैं, एक तरफ लक्ष्मण नॉन स्ट्राइक एंड पर है, स्ट्राइक पर लकी आएंगे और नीलेश को मिलने वाली और राज समन रॉयल टीम को मिलने वाली है पहली सफलता, पहली कामयाबी नीलेश के द्वारा पहले पावर प्ले में। पूरी ग्राउंड और मैदान की व्यवस्था पर यहाँ पर मुआयना कर रहे हमारे सभी जो प्रमुख, अंपायर का इशारा वाइड, वाइड के साथ अब शुरुआत, अकाउंट ओपन होता हुआ, टीम का स्कोर जहां से शुरुआत अब होगी 1 रन बन चुका है, अतिरिक्त रन वाइड के साथ राजसमंद रॉयल बनाम ये मुकाबला हम देख रहे हैं। हरिओम ग्रुप उड़न, पहली गेंद पर नीलेश ने पहला विकेट लिया था, भगत सिंह जो गोल्डन डक के शिकार बने, राउंड द विकेट भारत के बल्लेबाज के लिए अंदर लेकर आए थे गेंद, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, गुडलेन से थोड़ी वहां पर राइज होती हुई गेंद, उछाल लेती हुई गेंद को बहुत ही दबाकर स्ट्रोक को खेले, लेकिन कोई रन नहीं। रन संख्या इस दिखे जिस तरह से 1 रन है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी नीलेश, राउंड द विकेट ओवर द विकेट, भली बात ही जानते हैं कि इस तरह से अगर गेंदबाजी करेंगे तो हम थोड़ा दिक्कत में लेकर आ सकते हैं। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर, खराब गेंद, बहुत ही खराब, वाइड का इशारा अनिल नायक जो अंपायर है हमारे, बहुत बढ़िया क्रिकेटर ये भी है, बॉक्स क्रिकेट हो, ओरम टेनिस क्रिकेट हो, लेदर क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी है जो अंपायरिंग कर रहे हैं अनिल नायक। बहुत सारे टूर्नामेंट हमने इनके साथ भी किए हैं, कवर कॉर्पोरेट क्रिकेट हो या राउंड विकेट, अच्छी गेंद, दैट इज अ ब्यूटी, क्या बात है, आड़े बल्ले के साथ खेलने के लिए गए और गेंद के लाइन में ही नहीं थे, जिस तरह से उस लाइन में आकर उस गेंद को खेलना था, लंबाई इतनी नहीं थी, लेकिन थोड़ा पिचिंग अगर देखा जाए तो अच्छी पिचिंग थी, जिस स्पॉट पर गेंदबाजी करना चाहते थे उसी अंदाज से स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं, जिसको फायदा यहां पर उठा रहे हैं गेंदबाज। निश्चित तौर पर रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस तरह से देख रहे हैं। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइड और एक लकी ने अगर 2 सिक्स लगाए बायत के बल्लेबाज तो 1100 रुपया, जिनका नाम है कुंवर सिंह, इनकी तरफ से 1100 रुपया लकी सिंह के लिए, कुंवर सिंह इनकी तरफ से 1100 रुपया लकी सिंह इनके लिए, अगर 2 सिक्स लगाते हैं 1100 रुपया। राउंड विकेट अगली गेंद लकी के लिए, अच्छी गेंद और एक गेंद आड़े बल्ले के साथ लपेटना चाहते, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है। अगले मैच के टॉस के लिए ठाणे वॉरियर्स और बीएमडब्ल्यू टाइगर, जिन्होंने कल के अपने पहले पहले मुकाबले को जीता है, तो बहुत सारे ऐसे मुकाबले हम देखेंगे आज जो अपने दूसरे मुकाबले की तरफ जाएंगे और दूसरा मुकाबला जीतने की कगार पर निश्चित तौर पर रहेंगे। रन संख्या टोटल 3 रन, राउंड द विकेट,
और बेहतर स्ट्रोक गैप को ढूंढा है वहां पर डीप पॉइंट की तरफ, जब तक वहां पर खिलाड़ी जाएंगे। गेंद सीमा रेखा के बाहर, चार रन। थैंक यू। रन संख्या 7, गेंदबाजी के लिए तैयार। राउंड द विकेट निलेश की अगली गेंद, फिर एक बार वही कोशिश, बार बार ऑन साइड पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मिडल लेग स्टंप पर गेंद थी, जिस तरह से उस गेंद को स्वीप नहीं किया, लेकिन आड़े बल्ले के साथ स्ट्रोक स्वीप करने के लिए गए थे। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर 7 रन। अगले मुकाबले के टॉस के लिए यहां पर आना है ठाणे वॉरियर्स बनाम बीएमडब्ल्यू टाइगर्स। हमारे बॉल स्पॉन्सर्स महालक्ष्मी मेटल कॉर्पोरेशन मालाड वेस्ट मुंबई, मोहन सिंह जी दसाना, रमेश सिंह जी दसाना, समन सिंह जी दसाना, धन्यवाद। यूट्यूब स्पॉन्सर खेम सिंह जी उठाड़, शंकर सिंह उठाड़, प्रेम सिंह मोखाड़ा। ट्रॉफी स्पॉन्सर मोहन सिंह मोखाड़ा, अध्यक्ष वरिष्ठ समाजसेवी भवर सिंह जी मोखाड़ा, युवा समाजसेवी प्रेम सिंह जी मोखाड़ा, युवा समाजसेवी हिम्मत सिंह जी मोखाड़ा। फर्म जय श्री आशापुरा मेटल कॉर्पोरेशन मालाड, प्रतिष्ठान आशापुरा गोल्ड झवेरी बाजार, श्रीमान शंकर सिंह जी सतलेवा और श्रीमान मनरूप सिंह जी खरवड़ जो जल सेवा लाभार्थी है, जिनको धन्यवाद देना चाहेंगे। और हमारे ग्राफिक्स के स्पॉन्सर विशन सिंह, श्रीमान राम सिंह खरवड़ बोरी बासा दही सर, अपील किया और जिस तरह से ये देखिए ये क्लीन बॉल किया है और अपील की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि जाकर स्टंप पर गेंद टकरा ही है। दोनों खिलाड़ी कोई रन नहीं बनाकर आउट, लक्ष्मण 0 पर, भगत सिंह 0 पर, और जो कुछ रन बने वो लकी के बल्ले से निकले हैं और वाइड के माध्यम से, तो दोनों बैटर 0-0 पर आउट। अब आने वाले नए बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी होगी, हरिओम ग्रुप पूरन। चलो जल्दी चलो, आउट होने के बाद जल्दी आना है। 11:15 पे मैच शुरू हो चुका है, 11:21 हो चुकी है, लगभग 6 मिनट हो चुके हैं। और अब गेंदे देखा जाए तो अभी 5 बाकी है, तो 5 गेंदे आपको लगभग 2.5-3 मिनट में पूरे करने हैं। बॉलर तैयार, दूसरा ओवर लेकर बॉलर किशन, स्ट्राइक पर न्यू बैटर, स्ट्राइक पर हिम्मत, नौ स्ट्राइक पर लकी। बाहर के गेंदबाज ने इस गेंद को कवर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन तो पूरा किया, जब तक वहां पर आएंगे और क्या मौका मिलेगा, दूसरा रन भी पूरा कर दिया और तीसरे रन के लिए भी दौड़ रहे हैं, और जब तक वहां पर थ्रो आए ये तीसरा रन भी पूरा। रन संख्या 10, हिम्मत ने अपनी हिम्मत दिखाई, लेकिन अपने विकेट की कीमत भी यहां पर चुकानी होगी, क्योंकि हमें यहां पर आना है जब 2 विकेट गए हैं। जैसे कल हमने देखा था जब बीएमडब्ल्यू टाइगर्स के लिए जो बल्लेबाजी महादुर सिंह और नाहर सिंह ने की थी, नमस्कार मुलुन के हमारे और एक भामाशाह समाज बंधु यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। और अमेंद्र सिंह जी, ओ ये बार बार वही कोशिश कर रहे हैं, इन्हें ऑन साइड पसंद है लेकिन गेंदबाज को ऑफ साइड पसंद है, ये कोई मौका नहीं देंगे। आपको अगर मौका नहीं मिलता है तो आपको कुछ अलग करना होगा, यू हैव टू जस्ट चेंज योर स्टाइल ऑफ बैटिंग। इफ यू डोंट गेट एंड डिडंट गेट प्रॉपर कनेक्शन, टाइम ही नहीं हो रहा है, आपको कुछ अलग करने की जरूरत है। राउंड द विकेट नहीं, ओवर द विकेट आया आड़े बल्ले के साथ अपना मनपसंद स्ट्रोक, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर, 1 बाउंस चौका, 4 रन। रामायण का एक बेहतरीन गीत सुन रहे हैं हम। रन संख्या टोटल 14 रन, और देखिए लकी, इनका लकी नंबर है 55, जो बेन स्टोक्स को ज्यादा पसंद करते हैं, बेन स्टोक्स उनके मनपसंद खिलाड़ी, और रोहित शर्मा को भी पसंद करते हैं। लेकिन आर्डिटर बल्लेबाजी, बायत के बल्लेबाज ने ऑन साइड पर खेला, 1 रन तो पूरा किया, जब तक हिम्मत ने हिम्मत दिखाई है, करेज इज द बेस्ट वेपन इन डेंजर, संकट समय में आपका निश्चित तौर पर शौर्य धैर्य ये आपका प्रमुख शस्त्र होता है, वही दिखाया। उन्होंने कहा कि मुझे डेंजर में दौड़ना है, मैं पहुंचूंगा, आप चलो, 2 रन अपने टीम के लिए। रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ इन 2 रनों के साथ, 16 रन आगे निकल के खेला हुआ, तो खिलाड़ी वहां पर आ रहे, जब तक वहां पर थ्रो करेंगे, 1 रन मुकम्मल। रन संख्या 17, पहले ओवर में रन नहीं बन रहे थे, दूसरे ओवर में मोमेंटम लेकर चल रहे, क्योंकि लकी के बल्ले पर गेंदे आ रही है। 2 ओवर के बाद रन संख्या 17,
हरिओम ग्रुप उड़ाना को इसी अंदाज से खेलना होगा जैसे कल बीएमडब्ल्यू टाइगर्स के लिए महेंद्र आउट हुए, सुरेश आउट हुए, उसके बाद जिस तरह से नाहर सिंह और माधुर सिंह ने बल्लेबाजी की, नाडा रॉयल्स बनाम कुंभलगढ़ किंग्स के बीच हमने देखा किस तरह से मोहन ने गेंदबाजी की, और मऊराणा सरकार इन्होंने जिस तरह से मुंबई देवी टाइगर्स को हराकर जब श्रवण ने वो 48 रनों की पारी की और गेंदबाजी में अपना जलवा बिखेर दिया था यहाँ पर, तो कल की बहुत सारी ऐसी टीमें थी। ठाणे वॉयल्स ने पहला मुकाबला जीता, फिर डानू पैंथर्स, फिर दक्षिण इलेवन, फिर जीएम टाइगर्स, फिर बीएमडब्ल्यू टाइगर्स, ये बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जिन्होंने कल के मुकाबले निश्चित तौर पर अपने नाम पर किए थे। और अगले मैच में दो टीमें ऐसी होगी जिन्होंने पहला मुकाबला अपना जीता है। कल बीएमडब्ल्यू टाइगर्स, रॉयल राजपूत मुलुंड, इनके अलावा मऊराणा सरकार, कुंभलगढ़ किंग्स, ये बहुत सारी टीमें थी जिन्होंने अपने पहले मुकाबले जीते हैं। गेंदबाजी के लिए बॉलर तैयार, बॉलर तीसरा ओवर लेकर भैरू, स्ट्राइक पर लकी, नौ स्ट्राइकर पर हिम्मत, इस तीसरे ओवर की पहली गेंद, आगे निकलकर खेला हुआ शोक हवा में, आगे निकल गए हैं या नहीं, बहुत आगे निकल गए थे, चार रन, कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर उठा, दिल टूटा, बहुत आसान कैच था, चार रन। धन्यवाद, 21 रन बने, रन संख्या 21। देखिए जब हवा में गेंद गई थी तब पहले आगे निकल कर आए थे, और जब बॉल के नजदीक पीछे तो पता चला कि बॉल तो बहुत ही ऊपर है सर के, और वहां से 2100 रुपया लकी ने अगर सिक्सर मारा तो रूप सिंह जी इनकी तरफ से, रावण रवि गेंद बैकफुट पर गए, इस गेंद को ड्राइव किया है कवर की तरफ, एक रन, एक बाउंड्री आने के बाद एक अच्छा एक रन भी बना रहे, तो इनको पता है कि बाउंड्री सिक्सर के बाद सिंगल की अहमियत क्या है। मुंबई है तो मुंबई की लाइफ लाइन लोकल है, लिमिटेड ओवर्स का क्रिकेट है तो उसकी लाइफ लाइन है सिंगल, सिंगल डबल को कन्वर्ट करना होगा, लकी को पूरा इनिंग खेलना होगा। हिम्मत, अच्छी हिम्मत दिखा रहे, अच्छा स्टैंड दे रहे, अच्छी पार्टनरशिप बना रहे, गेंदबाजी के लिए तैयार, स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन, तीसरा ओवर, अगली गेंद, और पॉइंट की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक, लॉफ किया लेकिन जिस तरह से ट्राई कर रहे हैं, ये भी गेंद, एक रन तो पूरा किया, मिस फील्डिंग, और क्या तीसरे रन के लिए भी जाएंगे, तीसरा रन, वन बाउंस, टू बाउंस, आराम के साथ तीन रन, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हालांकि पहले दोनों प्रारंभिक बैटर 0-0 पर आउट हुए, लेकिन इन्होंने कहा कि जीरो है उसके बाद ही शुरुआत होती है, इन्होंने कहा कि हम तैयार है। लकी कमाल की पारी खेले, अली गेंद, अगली गेंद बैकफुट पर गए, फिर एक बार ड्राइव किया था, अच्छी तरह से सोच समझ कर बल्लेबाजी कर रहे, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर खेल रहे, ये देखिए ये मिस फील्डिंग, ये नहीं होना चाहिए, पहली दो विकेट जल्दी लेने के बाद जिस तरह से मिस फील्डिंग है, कैचे छोड़ रहे, ये तो नहीं होगा, इस तरह से आपको मौका नहीं मिलेगा। राजसमंद रॉयल टीम को थोड़ा एक कॉम्बिनेशन बनाना होगा, दूसरी तरफ हरिओम ग्रुप उरण यही चाहेंगे कि इस तरह से अगर रन बनेंगे तो अच्छी बात है। टोटल स्कोर 27 इन द थर्ड ओवर, पहले ओवर की बात की तो पहले ओवर में रन आए थे केवल 7। अगली गेंद, इस गेंद को खेल दिया है डीप बैकवर्ड्स खेलने की तरफ, जब तक डीप से खिलाड़ी वहां पर आएंगे, लेकिन फिर एक बार मिस फील्डिंग। देखिए एक एक को दो में डबल कर रहे हैं, यह अच्छी बात है, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छा है, अच्छी सोच समझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, दोनों को एक दूसरे का खेल पता है, और अच्छी तरह से सोच समझ कर कॉलिंग कर रहे हैं, ये अच्छी बात होती है। जब एक को दो में, दो को तीन में कन्वर्ट करना है तो आपका सूझबूझ, आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना आवश्यक। ज्यादा लेग स्टंप के बाहर, खराब गेंद, अनिल नायक इनके द्वारा यहां पर ये वाइड का इशारा, रन संख्या, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 तीसरा ओवर, पहले ओवर में 7 आए थे, दूसरे ओवर में 10, 17, इस ओवर में अब तक 13 रन आए हैं, और गेंदे हो चुकी अब तक 5। आखिरी गेंद, फिर एक बार ड्राइव किया लेकिन खिलाड़ी वहां पर, क्या यहां पर थ्रो, पहुंच गए हैं, तीन ओवर के बाद 30 रन, 7, फिर 3 से बढ़ोतरी 10, फिर 3 से बढ़ोतरी 13, और 3 ओवर के बाद रन संख्या 30। राजू एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला उसके बाद में आने वाला है, टाने वॉरियर्स से बीएमडब्ल्यू टाइगर्स के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, आपको टॉस के लिए तैयार रहे।
टाने वॉरियर्स बीएमडब्ल्यू टाइगर्स, आपको टॉस के लिए तैयार रहना है, जलपर के लिए खेल रुका हुआ है। ये मुकाबला समाप्त होने के बाद रॉयल किंग और मुंबई देवी टाइगर्स, आपको भी तैयार रहना है। तो टाने वॉरियर्स सर बीएमडब्ल्यू टाइगर्स टॉस के लिए आइए। तीन ओवर के बाद 32 विकेट के नुकसान पर हिम्मत 6 पर बल्लेबाजी करे लकी ने 20 रन बनाए, 14 गेंदों का सामना किया है। बहुत ही लाजवाब पारी कर रहे हैं अपने टीम के लिए लकी, 14 गेंदों में 20, मतलब अच्छे स्ट्राइकर के साथ बल्लेबाजी हो रही है। हमारे स्पॉन्सर बॉल स्पॉन्सर महाराष्ट्र मेटल कारपोरेशन, मालाड वेस्ट मुंबई, मोहन सिंह जी बदासाना, रमेश सिंह जी बदासाना, सबन सिंह जी बदासाना, यूट्यूब स्पॉन्सर तैनात है, लेकिन जजमेंट अच्छा नहीं था तो इसीलिए दो रन लेने का मौका मिलेगा। दो रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता है, जा पहुंचा है अब 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हरिओम ग्रुप वन शॉट का इशारा नायक कर रहे थे, इसका मतलब है स्कोर अब आगे बढ़ता है 31 2 विकेट के नुकसान पर, 31 प्लस अब 2 विकेट। मौका मिला गेंदबाज ब्रिजेश को गेंदबाजी करने के लिए, वो टॉस गेंद दिए, इस कमर पर खिलाड़ी मौजूद लिया कैच आउट, बल्लेबाज बैक टू द डबल जा रहे हैं। हरिओम ग्रुप के उम्मीदों का लगता था यह तीसरा झटका। कल्लू ने बहुत ही अच्छा कैच लप का, कल्लू पैन हाथ पर कर बहुत ही प्यारा नाम है और प्यारा काम भी मैदान के अंदर, बहुत ही अच्छा कैच लप का इस कमर पर। ये अभी 6 ओवर का मैच है, ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण होगा हर टीम के लिए, लेकिन ये मुकाबला समाप्त होने के बाद आने वाले जितने मैचेस है वो 5 ओवर के होने वाले हैं। दोबारा वही खिलाड़ी खेल के नीचे लिया कैच, तल्लू भाई अपने करियर का ये 100वां कैच उन्होंने पूरा किया, क्या जबरदस्त है कैच आपका है। शुक्रिया दीजिए तल्लू भाई, आपका सेलिब्रेशन दिखाई ना, क्या सेलिब्रेशन था आपका। पानी मैदान के अंदर है और बढ़िया फील्डिंग, 31-4 विकेट के नुकसान पर हरिओम ग्रुप उड़न, अब दबाव बढ़ता हुआ क्योंकि पहले 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, उसके बाद में अब कमबैक करने का मौका मिलता हुआ इस मुकाबले में राजसमंद रॉयल टीम को। इंटरेस्टिंग मैच है आज का यह दूसरा दिन प्रतियोगिता का। विजेश पकाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद को कला के साथ मोड़ दिया, स्क्वायर की तरफ किनारी तैनात है, जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकाबला स्कोर 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बालू सिंह उड़न इनकी तरफ से हर सिक्सर के लिए 2100 का इनाम बल्लेबाज के लिए, बल्लेबाज लकी 20 पर के अंदर, सूरज नए बैटर मैदान के अंदर। ब्रिजेश का ये अच्छा ओवर घट रहा है, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, सूरज ऑन स्ट्राइक। बीमर गेंद विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए, गेंद टावर बॉडी की तरफ जा रही है और दो खिलाड़ी पीछे देखे स्ट्रगल कर रहे, संघर्ष कर रहे, रन को रोकना चाह रहे, बॉल को रोकना चाह रहे और खराब फील्डिंग हो रही है। अनिल नायक का नो बॉल का इशारा किया गया, नो बॉल का इशारा, उसके बाद में घूमता हुआ हाथ फ्री हिट, रन तो बिल्कुल आ रहे हैं, दबाव अब पूरी तरह से गेंदबाज के ऊपर, दोबारा जाता हूं। स्कोर 36-4 विकेट के नुकसान पर, ओवर 14 प्रगति पर, असमंद रॉयल बनाम हरिओम ग्रुप, बड़ा मुकाबला दोनों टीमों के लिए। यह मुकाबला समाप्त होने के बाद जितने मैचेस होंगे वो 5 ओवर के मुकाबले। स्ट्राइक करें पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए, सूरज ऑन स्ट्राइक, कदमों का इस्तेमाल किया, 4 पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में सोच रहे थे लेकिन मना किया खिलाड़ी ने,
लकी ने जबरदस्त पारी के लिए 20 पर बल्लेबाजी करे 15 गेंदों का सामना किया। विजेश की इस ओवर की बात करें तो 5 गेंदों में 4 रन और 2 सफलता, पेपिन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है और विकेट टेकर गेंदबाजी में बताते हुए अपनी पहचान बनाने की कोशिश। टर्नमैन एक पॉइंट कवर, उसके साथ अब एक खिलाड़ी स्टक ओवर पर मौजूद, कदमों का इस्तेमाल किया, ऑन साइड पर खेल दिया, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है और एक अच्छा कैच, शानदार कैच लगा बाउंड्री लाइन पर। दिनेश ने बहुत ही अच्छा कैच बाउंड्री लाइन पर लिया, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ। 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। थाने वॉरियर्स सर बीएमडब्ल्यू टाइगर के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, आपको टॉस की तरफ आना है। आफ्टर 4 ओवर स्कोर 37 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट, बहुत अच्छा ओवर था ब्रिजेश का। रॉयल किंग और मुंबई देवी टाइगर आपको भी तैयार रहना है अगले मुकाबले के लिए। ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई, बल्ले का टो लगा और गेंदबाज ने कोई गलती नहीं की और बल्लेबाज बैक टू द पेपर जा रहे हैं। हरिओम ग्रुप ओवर की उम्मीदों को और एक बहुत बड़ा छक्का, सूरज बैक टू द पेवेलियन गॉन। अभी ये मुकाबला समाप्त होने के बाद 5 ओवर के मुकाबले होने वाले, 37 विकेट के नुकसान पर। तो ठाणे वॉरियर्स टीम के कप्तान और बीएमडब्ल्यू टाइगर्स आपको तैयार रहना है। ठाणे वॉरियर्स और बीएमडब्ल्यू का प्रदर्शन कल बहुत ही लाजवाब रहा है। 5वां ओवर प्रगति पर स्कोर 37/6। गेंदबाजी की बात करें तो अब दूसरा ओवर लेके आए नीलेश, नए बैटर मैदान के अंदर महेंद्र शंकर, दोनों को यहां से एक साझेदारी बनाने की जरूरत है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज नीलेश, और नीलेश ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी भी की, अच्छा कैच लिया था। अगली गेंद लेग स्टंप पर गेंद, इस गेंद को नटराज स्टोक खेलने चाहते थे लेकिन अंपायर अनिल नाइक द्वारा ये वाइड का इशारा। स्ट्राइकर इन पर गुणेश मात्रे सर को हम देख रहे हैं, अरुण अंबोकर सर एवं रौनक जोशी सर इन्हें हम देख रहे हैं, अनिल नायक सर प्रमुख अंपायर की भूमिका में इस मैच में। बहुत अच्छा अनुभव है इनके पास, अनिल जी हो गुणेश जी हो स्वयं एक क्रिकेटर रह चुके हैं। अच्छा ड्राइव कवर की तरफ खेलना चाहते हैं लेकिन बल्ले के बहुत ऊपर लगी, एक रन तो पूरा किया है दौड़ते हुए और दूसरे रन आसानी के साथ 2 रन। देखिए जो पहले 2 ओवर में मिसफील्डिंग हुई है वो अब नहीं नजर आ रही है, एक अच्छा विकेट लकी का मिला उसके बाद कमबैक किया है राजसमंद इस टीम ने और अब वो कोई मौका नहीं दे रहे। नीलेश की बात की जाए तो अच्छे लाइन लेंथ से गेंदबाजी कर रहे हैं, ओवर नंबर चलता हुआ 5 और रन संख्या टोटल 40 राइट मोर द विकेट। अगली गेंद फिर एक बार केवल दिशा दी, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, मिस फील्डिंग हुई, क्या दूसरे रन के लिए जाएंगे, अच्छा कॉल, एक रन, रन संख्या 41। आरिफ भाई हमारे कैमरामैन अपनी कैप को थोड़ा सा अलग करते हुए, मेरी झलक सबसे अलग और ये पहचान है निश्चित तौर पर, एक अलग अंदाज है इनका भी, लेंस फोटोज। अगली गेंद ऑफ स्टंपर गेंद थी और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक लेकिन ना खिलाड़ी है प्रोटेक्शन लिया है, हालांकि जब जब पॉइंट और कवर मिड विकेट पर गैप में स्ट्रोक्स जाते हैं और ये मौके की तलाश थी लेकिन नहीं, 2 रन अच्छी तरह से 2 रन पूरे किए हैं। येलो जर्सी में हम देख रही है टीम हरिओम जो ग्रुप उरण, जहां पर टॉस जीतकर अगर देखा जाए तो पहले एक अलग अंदाज से यहां पर टॉस जीता था टीम ग्रुप हरिओम ग्रुप उरण ने और पहले बैटिंग करने का निर्णय यहां पर दिया है। या अच्छी गेंद लगभग फील्डिंग, राजसमंद रॉयल ने टॉस जीता था,
not exactly the position has been taken by Hariom Gurupuran, but yes, Raj Saman Royal, इन्होंने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और हरिओम ग्रुप उरन को आमंत्रित किया। दोनों बल्लेबाज अगर देखा जाए तो राजसमंद रॉयल ने पहले दोनों बल्लेबाजों को, प्रारंभिक बैटर को अगर देखा जाए तो जल्दी आउट किया जीरो पर। अच्छी गेंद, यॉर्क गेंद थी, जब तक कि शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी फील करे, एक रन मुकम्मल। लेकिन यह देखिए कितनी जल्दबाजी, कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। एक एक रन जा रहे हैं, इतनी मेहनत सब कर रहे हैं और अचानक ये दो रन, क्योंकि एक रन का अहमियत आपको अभी नहीं पता चलेगा। 99 के वर्ल्ड कप में हमने देखा था, जब पता चला तो दक्षिण अफ्रीका टीम को एक रन की अहमियत। रन संख्या 5 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल 46, आखिरी 6 बॉल में कम से कम 10-15 रन आवश्यक। गेंदबाजी के लिए तैयार आखिरी ओवर लेकर राजसमंद रॉयल टीम की ओर से किसन, जर्सी नंबर 8 के 8 लगाएंगे वाट। कल 8 नंबर डहनू पैंथर्स रवि का हमने देखा था, ठाणे वॉरियर्स बना अगला मुकाबला। दोनों कप्तान तैयार रहे, बीएमडब्ल्यू टाइगर्स बैक टू पर गए, गेम को खेला शॉर्ट पर खिलाड़ी, जब तक वहां पर थ्रो आए एक रन, रन संख्या 48, 5 गेंदे शेष, आखिरी 5 जो बॉल्स है, सॉरी 46 47 हुआ, 46 थे 47 बने हैं और फील्डिंग में थोड़ा बदलाव कर रहे हैं। 46 रन थे नॉट 47, 46 के बाद एक रन अब आया है 47। बहुत ही लश ग्रीन आउटफील्ड मैदान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गार्डन, उत्तन रोड का भाईंदर पश्चिम, जहां पर इस हम HRPL 2024 सीजन 5 का खूबसूरत नजारा देख रहे हैं। दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत डीबीएन लाइव के माध्यम से। अच्छी गेंद, लेकिन विकेट कीपर से गलती, एक रन निश्चित तौर पर यह मिलेगी जो अंपायर के द्वारा यहां पर बाय के द्वारा आएगी और एक रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 48। इसके बाद सेकेंड राउंड शुरू रहेंगे, सेकेंड राउंड मतलब सेकेंड मैच हर एक टीम का होगा, तो वो सभी मैचेस 5 ओवर के रहेंगे। पॉइंट की तरफ खेलना था, जगह से खेलना चाहते थे, शरीर से बहुत ही दूर गेंद थी, विकेट कीपर के हाथ में गेंद डॉट। 1 2 3 गेंदे अब तक हो चुकी है, जिस तरह से यहां पर कोशिश, गेंदे 3 बॉल हो चुके हैं ना कि 2, 3 बॉल। अच्छी गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड अलोंग विद द कार्पेट खेला हुआ स्ट्रोक, एक रन, तब तक ये एक रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 49। 4 गेंदे 49 रन, आखिरी 2 गेंदे बाकी, लास्ट 2 बॉल्स लेफ्ट, क्या 55 बनेंगे, क्या बाउंड्री आएगा, बड़ा हिट की जरूरत, एक अच्छा हिट की जरूरत है। लेकिन ऑन साइड पर केवल दिशा दी, जब तक कि वहां पर ज्यादा ताकत नहीं लगाई थी, पावर जनरेट नहीं की थी, एक रन तो पूरा किया डीप के खिलाड़ी, जब तक कि वहां पर थ्रो करें 2 रन और इन 2 रनों के साथ अब रन संख्या स्कोर 50 रन पूरे हो चुके हैं, ब्रिंग्स अप 50 हरिओम ग्रुप उरान 51। आखिरी गेंद, देखिए 2 विकेट जल्दी जाने के बाद लकी ने और हिम्मत के बीच एक पार्टनरशिप बनी थी, जहां से मैच बना और उसके बाद हम देख रहे हैं किसे लगा था कि 50 की तरफ जाएंगे। अच्छी गेंद टप्पा गिरने के बाद और विकेट का पतन, रन आउट, 51 बना है, 52 की जरूरत। अगले मैच के टॉस के लिए जाएंगे, जो मुकाबला 5 ओवर का रहेगा, ये सभी खिलाड़ियों एवं कप्तान ओनर ध्यान दे, जहां पर ठाणे वॉरियर्स बना बीएमडब्ल्यू टाइगर्स अब सेकेंड मैच की तरफ जाएंगे। हर एक टीम अब सेकेंड मैच जब खेलेंगे तो वो मुकाबले 5 ओवर के रहेंगे, हमारे खेल मंत्रालय एवं स्पोर्ट्स कमेटी इनके द्वारा यहां पर सूचित किया जाता है कि अब दूसरा जो मुकाबला हर एक टीम खेलेगी वो सभी मुकाबले 5 ओवर के रहेंगे। ओवर टू प्रशांत जी, विल टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड कम बैक विद द टॉस का बॉस विद ठाणे वॉरियर्स और टीम रहेगी बीएमडब्ल्यू टाइगर्स। थैंक यू, शुक्रिया राजू, वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे HRPL 2024 सीजन 5, अब बड़ा मुकाबला ठाणे वॉरियर्स बीएमडब्ल्यू टाइगर्स। तो टॉस इतना अच्छा प्रेजेंटेशन बॉक्स बनाया है, तो बिल्कुल इस वक्त टॉस यहीं पर होगा। हमारे सारे स्पॉन्सर्स थैंक यू वेरी मच। चलिए फील्डिंग सजाइए, फील्डिंग सजाइए, समय ज्यादा नहीं है,
आपको ज्यादा वक्त नहीं लेना है, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है और बल्लेबाज को जल्दी मैदान के अंदर आना है। राम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कालू सिंह हमारे साथ और एक बार फिर बालू सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो खेल मंत्रालय हमारी मैनेजमेंट टीम और तो समय हो गया टॉस के बॉस का, तो चलते टॉस की तरफ। किसके हाथ में मैजिक है और टेल आया तो बीएमडब्ल्यू की कप्तान ने टॉस जीता, बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक मुकाबला आप जीते तो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, कॉन्फिडेंस तो बढ़ा है और आगे जाते थे और बढ़ेगा। अभी फिलहाल पिछले साल कमाल का प्रदर्शन आपका रहा था, इस साल शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है, टॉस जीता है, क्या फैसला करेंगे? हम बॉलिंग करना चाहेंगे। सामने अगर देखें तो बहुत सारे अच्छे बल्लेबाज हैं, जल्दी विकेट लेना चाहेंगे तो किसका लेना चाहेंगे? नहीं विकेट तो कुछ नहीं, हमारा मकसद है तो 30 या अंदर अंदर रोकना, प्लान इनका बना हुआ है बिल्कुल 30 के अंदर रोकना चाहेंगे। आपकी क्या चाहोगी इस विकेट पर, जिस तरह से बहुत अच्छी विकेट है, कितने रन बनाना चाहेंगे? हम 50 प्लस का कोशिश करेंगे। इसके ऊपर ज्यादा एक बार भी निगाह होगी, कौन अच्छा प्रदर्शन करेगा, तीन चार ऐसे बल्लेबाज हमारे पास है, दो चार प्लेयर अच्छे बैट्समैन, किशन है, लक्ष्मण है और महेंद्र है, गोपाल, रूपेश अच्छे बैट्समैन है। बिल्कुल एक फाइटिंग टोटल आपको बनाना है तो 50 के ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ जो पहला मुकाबला आपने जीता है तो उससे क्या बाकी सारे जो खिलाड़ी है उभर कर आए, एक बार फिर कॉन्फिडेंस बढ़ गया सभी का? बढ़ा है बिल्कुल, यहाँ से दोनों टीमें तैयार है। तो बीएमडब्ल्यू ने जीता टॉस, पहले फील्डिंग करने का लिया फैसला, बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार फिर डिसीजन आपने लिया है। और सूर्या जिनके ऊपर रहेगी निगाह, टीम के कप्तान, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने कहा कि 30 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे अपनी टीम को, लेकिन स्थानीय वर्ग के कप्तान ने कहा कि कम से कम 50 के ऊपर जाने का हम प्रयास करेंगे। तो एक अच्छा बैटल, बेस वर्सेस बेस खिलाड़ी देखने का मौका मिलेगा। ये मैच 5 ओवर का होने वाला है, एक बार फिर सुनिए, ये मुकाबला 5 ओवर का होगा। चलते कॉम्बॉक्स में हमारे साथ जुड़ रहे राजू कोड़े, ओवर टू राजू। थैंक यू। तो जीतने के लिए रनों की दरकार, यहां से 52 रन बनाने हैं टीम राजसमंद रॉयल। प्रशांत जी जो टॉस हो चुका है, जहां पर टॉस किसने जीता है और वहां पर क्या निर्णय ले लिया है बताइए आप। बीएमडब्ल्यू ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। और 5 ओवर का मुकाबला बताया है प्रशांत जी और पूरी खेल मंत्रालय इनकी तरफ से। देखिए इसके बाद रॉयल किंग एलओआर और मुंबा देवी टाइगर्स, ये टीम तैयार रहे, ज्यादा समय नहीं लगाना है। ज्यादा समय क्यों ले रहे हैं, 11:47 हो चुके हैं, 11:15 मैच स्टार्ट हुआ था, फिर वही कहानी चल रही है। राउंड विकेट दिलीप की पहली गेंद और पहली गेंद पर पहला विकेट, शॉर्ट थर्ड मैन पर खिलाड़ी और बेहतरीन कैच, गोल्डन डक। दोनों टीम की शुरुआत पहली गेंद पर विकेट के साथ हुई। बाएं हाथ के राजसमंद रॉयल का यह पहला खिलाड़ी जो स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी के लिए आए थे, नारायण आउट। वेलकम बैक, सभी दर्शकों का, खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अधिकार टीम महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समान मुंबई प्रेजेंट शार्पिल 2024। स्कोर की बात करते रन संख्या, अभी बल्लेबाजों को खाता खोलना है, यह टारगेट लक्ष्य रहेगा, 52 रनों का टारगेट है और 35 गेंदों में 52 रन आपको बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट इनिंग 51-7 विकेट के नुकसान पर, इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए, इस पे कोई संदेह नहीं है। और अब विजय ऑलराउंडर खिलाड़ी है,
झटके पर निगाह रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के लिए। काफी सारे दर्शक का इवेंट लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सभी का स्वागत है। आज का ये दूसरा दिन प्रतियोगिता का स्कोर अभी भी देखे तो खाता नहीं खुल रहा है बल्लेबाजों का। विजेश और दिलेश के ऊपर पूरा दारोमदार, दोनों ऑलराउंडर खिलाड़ी। दिलीप अपने बॉलिंग पार पर तैयार, ऑफ के बाहर गेंद, अच्छा स्ट्रोक, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है। खराब गेंद तो आती रहेगी, सही अंजाम पे पहुंचाना बल्लेबाज का काम है। गेंद बॉर्डर के बाद चार रन चौका। जिसके बल्ले से अच्छा स्ट्रोक और फुल टॉस खेलती सही नसीहत देते हुए चार रनों के साथ आगाज। इस बार बैक पर चले गए, अनसाइड पर खेल दिया, बॉर्डर पर खिलाड़ी मौजूद है, डीप स्केल पर खिलाड़ी, एक मिड विकेट पर डीप स्केल के खिलाड़ी गेंद की तरफ आए, गेंद को रोका गया लेकिन दो रन आप नहीं बचा सकते। वन शॉट तो रन संख्या इसी के साथ 5 रन, 52 रनों का लक्ष्य। दो बड़ी टीमें इस वक्त इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए। एक तरफ राजसमंद, एक भी रन नहीं है तो दोनों शॉट, दोनों तरफ शॉट है और दोनों अंपायर वही बता रहे हैं। वो थोड़ी परेशानी रहेगी क्योंकि शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलती, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और पूरी मेहनत करने की जरूरत है। ऑन साइड पर मौका था, शॉर्ट पिट विकेट पर खिलाड़ी तैनात थे, कैच न पकड़ने की जरूरत थी, कैच छोड़ा है। स्कोर इसी के साथ 5 रन, 52 का टारगेट। केले का समाज, जीते का समाज, बहुत ही लाजवाब आयोजन। इस ओवर की बात करें तो अब आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष। स्कोर फिलहाल 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 5 प्लस 1 विकेट। इस बार कट करना चाह रहे थे, जोरदार अपील लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। जोरदार अपील बिल्कुल की गई थी, अच्छी गिनती के बाद दिलीप द्वारा। स्कोर 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर का खेल समाप्त होता था। और अब जाकर आपके पास 30 गेंदे और 47 रन की जरूरत है। डीजे मस्त आई, एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी है, गुप्त को जारेगा, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। स्वागत है। आफ्टर 1 ओवर स्कोर 5 प्लस 1 विकेट। गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। लकी भाई बॉलर का नाम बताइए। सुरेश अपने बॉलिंग पर तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज विजेश। कच्चा स्ट्रोक था बल्लेबाज विजेश का ऑफ साइड पर पॉइंट क्षेत्र में, बाहरी किनारा था, भाग्य के साथ गेंद थर्ड मैन बॉलिंग की तरफ ट्रेवल हो रही है। कवर करने के लिए खिलाड़ी बिल्कुल आप देख रहे हैं इस वक्त बहुत तेजी के साथ जाते हैं। फाइनली के खिलाड़ी थर्ड मैन बॉलिंग की तरफ चले गए और दो रन लेने का मौका। गेंद को ड्राइव करना चाह रहे थे लेकिन फिलहाल फुटबक नहीं था, खड़े खड़े गेंद को खेलने की कोशिश। स्कोर इसी के साथ 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, 52 रनों का लक्ष्य। तो बड़ी टीमें राजसमंद रॉयल और हरिओम ग्रुप उड़न की टीम मैदान के अंदर। कदमों का इस्तेमाल किया, कवर के ऊपर से खूबसूरती के साथ गैप में खेलते हुए टाइमिंग बन गया। खिलाड़ी बॉडी पर तैनात है, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी डीबी स्टकबर क्षेत्र में चले गए, गेंद को रोका गया और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। ओवर दूसरा प्रगति पर है, जीतने के लिए 52 रनों की जरूरत है। अपने बॉलिंग पार पर गेंदबाज सुरेश तैयार, पर ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, डिस्को लेग पर बॉर्डर पर खिलाड़ी तैनात, टक्कर जाके गेंद को खेल दिया था ऑन साइड पर। टप्पा खाने के बाद थोड़ा गेंद अंदर की तरफ आई, इंतजार किया बल्लेबाज ने, बॉडी को रोल किया और बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेल दिया था डिस्को लेग बॉर्डर लाइन की तरफ। सिंगल के साथ स्कोर डबल विकेट में पहुंच चुका है, 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। राजसमंद रॉयल टीम को 52 रनों की जरूरत है। हरिओम ग्रुप ने 7 विकेट के नुकसान पर 51 रन बनाए थे।
रूप सिंह की तरफ से दो विकेट के लिए बिल्कुल 2100 का इनाम है सुरेश के लिए। ऑन साइड पर डिस्को लेग पर बॉडी रैपर खिलाड़ी तैनात, एक रन लेने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 11 रन ओवर दूसरा प्रगति पर। दो अच्छी टीमें, 22 वर्सेस 22 की लड़ाई। कदम का इस्तेमाल करते हुए गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, बहुत अच्छी गेंद थी ऑफ टाइम के बाद, बीट में बल्लेबाज विकेट कीपर ने अच्छी कोशिश जरूर की, यहां से पीछे से स्टंपिंग करने का प्रयास किया, लेकिन उसी वक्त बल्लेबाज क्रीज में वापस आए, कोई नुकसान नहीं है। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज ब्रजेश, जिन की पर रहेगा दारुमदार, नॉर्थ स्ट्राइक रन पर नीलेश, इस ओवर के अग्रगण सुरेश गेंदबाजी कर रहे हैं, उसी तरह का स्ट्रोक खेलने का प्रयास, ऑफ स्टंप के बाहर 34 स्टंप की तरफ गेंद, और गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। ओवर यहां दूसरा समाप्त, ओवर के बाद रन संख्या 11 रन एक विकेट के नुकसान पर। अभी आपके पास 24 गेंदे हैं और 41 रन की जरूरत है, तो आइए डीजे मास्टर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ेंगे, गाने के साथ जुड़ेंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुप्तगु जारी रहेगा। खिलाड़ी का स्वागत। प्रतियोगिता का आज का दूसरा दिन, कुंवर सिंह इनकी तरफ से हैट्रिक विकेट के लिए 5000 का इनाम। अब आगे गेंद, ओहो स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी तैनात थे, थ्रो किया गया, कवर करने के लिए खिलाड़ी आए, तो एक बार फिर बहुत सारी चीजें मैदान के अंदर हो रही है, क्या छूटा, और कुंवर सिंह इनकी तरफ से हैट्रिक के लिए अगर 3 विकेट लगातार चटका तो 5100 का इनाम। ऑफ टॉप के बाहर गति का इस्तेमाल किया, गेंद को गेंद पॉइंट क्षेत्र में, एक लेने का मौका दूसरे के लिए, पलट गए विकेट के बीच, अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। स्कोर की बात करते रन संख्या पर टोटल बन गया है 14 रन ओवर तीसरा प्रगति पर है। गेंदों की बात करें तो तीसरा ओवर और समीकरण की तरफ आपको लेकर जाऊंगा, 22 गेंदे और जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत है, 14 रन एक विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छा स्ट्रोक टाइमिंग बेहतरीन, लेग स्टंप की तरफ गेंद थी, इंतजार किया पोजीशन में, शरीर का अच्छा संतुलन बनाया और बैकपुक ने इस गेम को खेल दिया था स्कोर लीग की तरफ 1 रन के लिए, स्कोर 15 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। तीसरे ओवर के कारण 21 गेंदे 37 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। शेखर किनी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर कार्तिक मंगेला, स्कोर 15 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। ऑफ टंप के बाहर गेंद थी, स्टंप कवर पर खिलाड़ी बिल्कुल मौजूद थे उनसे दूर, एक रन मुकबल किया दूसरे के लिए वापस आए हैं, दो रन इतमान के साथ पूरे करते हुए, और देखिए स्ट्राइक ओवर पर खिलाड़ी मौजूद तो है लेकिन उनका इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरे ओवर की कहानी, 20 गेंदे और 35 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए, 17 रन एक विकेट के नुकसान पर राजसमंद रॉयल। हरिओम ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की पहले 3 ओवर में, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर हिम्मत गेंदबाजी कर रहे, सामना कर गए दिनेश 4 पर बल्लेबाजी कर रहे, ब्रजेश ने 13 रन बनाए हैं 11 गेंदों का सामना करते हुए, तो यहां एक अच्छी साझेदारी पनप रही है दूसरे विकेट के लिए। समय आपको ज्यादा नहीं लेना है, ये मैच समाप्त होने के बाद आने वाला मैच जो है वो 5 ओवर का होने वाला है। अपने बॉडी पार्ट पर गेंदबाज तैयार है हिम्मत, एक बार ऑन साइड पर बहुत अच्छा स्ट्रोक है, लकी गेंद के नीचे एक हाथ से कैच पकड़ने की कोशिश, लकी के पास मौका था दोनों हाथ से कैच न पकड़ने का, लेकिन ज्यादा पीछे जो चले गए और बॉडी का बैलेंस अच्छा नहीं था, शरीर का संतुलन अच्छा नहीं था, एक हाथ से कैच न पकड़ने की कोशिश, कामयाबी नहीं मिली है, स्कोर 19 एक विकेट के नुकसान पर। ज्यादा आगे खड़े हैं बाउंड्री लाइन से, ऑफ टंप के बाहर गेंद डीप स्ट्राइक कवर क्षेत्र में गेंद जा रही है, एक रन देने का मौका दूसरे के लिए, पलट गया विकेट की बीच, अच्छी दौड़, दो रन मुकम्मल, ये बेहतर है, इससे रन बनेगा, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक को दो में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। स्कोर 21 एक विकेट के नुकसान पर, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 18 गेंदे 31 रनों की जरूरत है,
21 बन गए हैं और ज्यादा समय आपको नहीं लेना है, ज्यादा समय आपको नहीं लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आएंगे, डीजी मात्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, कहीं मैच जाएगा, देखते रहे सुनते रहे एचआर पर 2024। थैंक यू शुक्रिया डीजे राजू कनासपेंट। यस सभी खिलाड़ी एवं दर्शक यहां पर आ गए हैं। बीएमसी की तरफ से एक यहां पर अनाउंसमेंट और जो रिक्वेस्ट की गई है, अगर पानी की बोतल आप पानी पीकर यहां पर कहीं पर फेंकते हुए नजर आए, जहां पर कैमरे यहां पर सेट की गए हैं, और वहां पर अगर आप पकड़े गए तो 500 रुपीज की पेनल्टी है। तो कृपया सभी यहां पर स्वच्छता बनाए रखें, जहां पर डस्टबिन है वहां पर बोतल पानी की पीने के बाद वहां पर फेंके, इर्द गिर्द कहीं पर ग्राउंड के अंदर बाहर जहां पर व्यवस्था हमने की है वहां पर ना फेंके। रन संख्या 2 ओवर के 3 ओवर के समाप्ति के बाद 21 रन, 18 गेंदों में जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है। और गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है, भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी करते हैं 34 स्टंप की तरफ, 35 स्टंप की तरफ लेन गेंदबाजी करते, उसी तरह से गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज सुरेश। आपके पास अब 17 गेंदे 31 रनों की जरूरत है, फासला बढ़ रहा है। भगवत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस ओवर के अगले राइट अंपायर ने विकेट कदम का इस्तेमाल किया, अम्बा में खेलते हुए लॉन्ग अपर बाउंड पर खिलाड़ी तैनात है, एक रन मुकम्मल किया और इत्मीनान के साथ 2 रन पूरे करेंगे दोनों बल्लेबाज। स्कोर आगे मरतबा पहुंच चुका है 23 पर 23, फलोसफ 1 विकेट, 16 गेंदे और 29 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। शुक्रिया कार्तिक शेखर किनी और कार्तिक हमारे दोनों स्कोरर, बहुत ही अच्छी जानकारी देते हुए। कम बॉक्स में राजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर सुरेश चले गए ऑल साइड पर, ये करक शॉट है, 1 बाउंस गेंद बॉर्डर के बाहर जाती हुई, गेंद है कमजोर, बल्लेबाज ने लगाया जोर और ये लगा शानदार फोर, वेलकम बाउंड्री। ट्रॉफी स्पॉन्सर के जो खास करके बैनर होल्डिंग की तरफ गेंद आई है, बहुत ही शानदार स्ट्रोक था, पुल किया था ऑन साइड पर। इस ओवर की अगली गेंद सुरेश दोबारा ऑन साइड पर, बॉन्डिनर की तरफ खेलना चाह रहे थे, टप्पा काटे के बाद थोड़ी सी रुक कर गेंद आई है। टाने वॉरियर्स बीएमडब्ल्यू ब्राइगर्स अगले मैच के लिए तैयार है, राजस्थान रॉयल और हरिओम ग्रुप के बीच आज के दिन का दूसरा मुकाबला। स्कोर अगर देखे तो रन संख्या टोटल बन गया है 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 14 गेंदे और 25 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। ऑफ टेप के बाहर कट करना चाह रहे थे, गेंद जानी चाहिए थी पॉइंट क्षेत्र में, लेकिन बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई, बल्ले का बाहरी किनारा और विकेट के बीच अच्छी दौड़ है या नहीं देखने वाली बात, 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने, यह बेहतर है। ब्रजेश बहुत अच्छी पारी खेल रहे, 29 1 विकेट के नुकसान पर, और एक तरफ दिनेश और ब्रजेश यहां एक साझेदारी बनती है दूसरे विकेट के लिए। आपके पास 13 गेंदे हैं, 23 रनों की जरूरत है, धीरे धीरे बल्लेबाजों का हौसला बुलंद होता है, अभी तक बढ़िया बल्लेबाजी रही है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे सुरेश, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट डीप मिड विकेट स्क्वायर लेग फाइन लेग फाइन लेग के खिलाड़ी का बाउंड्री लाइन पर स्टफ टोक है, दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, कहिए कैच हो जाएगा, कैच नहीं होगा, 1 रन मुकम्मल किया, विकेट कीपर गेंद को गैदर कर रहे हैं, डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश, 3 रन, भाग मिल्का भाग, भागने की जरूरत है, रन आपको बनाने हैं, 3 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों, ये चौथा भी पूरा हुआ, क्या ये 5वां पूरा हो जाएगा। नॉर्थ टेकर इनसे बल्लेबाज ने अंपायर को पूछा कि मैं भाग सकता हूं, भाई भाग सकते हो मैराथन के लिए, भाग सकते हो, 5 रन आपने पूरे किए हैं। नरेंद्र भाई इनकी तरफ से
जिसके हर चौके के लिए 500 का इनाम है, चौके के लिए 500 का इनाम। और जहां केवल विकेट चाहिए था, मतलब विकेट मिलना चाहिए था या एक बार फिर सिंगल भी आ सकता था, वहां 5 रन आपने दिए स्कोर 34 एक विकेट के नुकसान पर। 12 गेंद और 18 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। समय आपको ज्यादा नहीं लेना है, वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, दिलीप मिश्रा, नरेंद्र भाई आप सिक्सर के लिए 500 का इनाम है। दिलीप अपने बॉलिंग को आप बताएगा 34 रन एक विकेट के नुकसान पर। 12 गेंद 18 तब मैं तो आखा बार एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर, लॉन्ग ऑन मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी ड्यूस के लिए पर खिलाड़ी तैनात है। यह मुकाबला समाप्त होने के बाद ठाणे वॉरियर्स सर बीएमडब्ल्यू के बीच बहुत बड़ा मुकाबला। इस ट्रैक ओवर पर खिलाड़ी तैनात है, एक रन एक से ज्यादा नहीं है, वक्त के आगे और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। स्कोर 35 एक विकेट के नुकसान पर, 35 पर लॉस ऑफ वन विकेट, 11 गेंदे और 70 रनों की जरूरत है। आकाश में मुझे वो काले घने बादल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बीच मैदान पर संकट के बादल जरूर मंडराते हुए, 17 तो खतरा है। चिकेन इस ट्रैक ओवर पर खिलाड़ी तैनात, ओ खतरा हो सकता था, लेकिन एक रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। प्रो बिल्कुल अगर देखे तो थोड़ा लेट हुआ इस ट्रैक ओवर के खिलाड़ी द्वारा। अब आपके पास 10 गेंदे, 10 गेंदे में जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है, 36 एक विकेट के नुकसान पर। राजसमंद रॉयल हरिओम टीम की बात करें तो विकेट की तलाश में है। हमारे गेंद अच्छा स्ट्रोक है, क्या जबरदस्त स्ट्रोक है, चौका या छक्का, भले बात का इरादा है पक्का और ये लगा शानदार चौका, वंडरफुल बैटिंग। शुक्रिया दिल से, दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर और ये लगा शानदार फोर। ब्रजेश 31 पर खेल रहे। अब आपके पास 9 गेंदे, 12 रनों की जरूरत। टॉस के हवा में खेलते हुए खिलाड़ी बहुत दूर है, दो रन लेने का मौका मिलेगा और विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हैं दोनों खिलाड़ी। चतुरा के साथ बल्लेबाजी ब्रजेश ने की है, 33 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 9 बॉल का इशारा और उसके बाद भी फ्री हिट। तो HRPL 2024 पिक्चर है सुपर हिट, अगली गेंद फ्री हिट, 43 एक विकेट के नुकसान पर। पांचवे ओवर का खेल है, आपको सभी कलकत्ते लेकर जाऊंगा। 9 गेंदे 9 रनों की जरूरत, इस कहानी में ट्विस्ट, पहले 2-3 ओवर में बढ़िया प्रदर्शन रहा था गेंदबाजों का, हरिओम ग्रुप के गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आपका बैक करने का मौका मिलता है। इस बार गेंद को खेल दिया कैमर क्षेत्र में, बहुत पीछे खिलाड़ी है, बॉल पर 2 रन इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाज पूरे कर रहे हैं। अब आपके पास 8 गेंदे हैं और जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है। आने वाला मैच बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठाणे वॉरियर्स बीएमडब्ल्यू टाइगर्स और दोनों तगड़ी टीमें हैं। 7 गेंदों का अभी 8 गेंदों का खेल, 7 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 45 एक विकेट के नुकसान पर राजसमंद रॉयल, बाहरी किनारा था और कैच छूटा है, विकेट कीपिंग इतनी अच्छी नहीं रही है और उसका फायदा मिल रहा है सिंगल के साथ आंकड़े बदलते हुए। अब जीतने के लिए आपको चाहिए और 6 रन, 7 गेंदे शेष है। बेहतरीन बल्लेबाजी ब्रजेश की एक लाजवाब पारी, जहां जरूरत थी तब चक्कर बड़े स्ट्रोक खेल दिए और विजय थक गए हैं। 9 स्ट्राइक एंड पर इन्होंने जो 5वां रन पूरा किया था ना, वो कहानी आपको जरूर बताऊंगा। कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में गेंद, गेंदबाज भाग रहे हैं, कैच नहीं होगा तो 2 रन मुकम्मल किए। क्या तीसरे के बारे में सोच रहे हैं, तीसरे के बारे में सोच रहे हैं क्या, यह सही है गलत है, क्या इसकी जरूरत थी, मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं थी। और बल्लेबाज बैकरू तो बन जाएंगे, तो आपके पास 6 गेंदे हैं और जीतने के लिए अगर देखो तो 4 रनों की जरूरत। वन शॉट है डीजे रुकी, आंकड़े बदलने वाले हैं। अब 6 गेंदे 5 रनों की जरूरत, आइए डीजे मास्टर अब आपकी बारी आएगी। दिल की आदत है, बंदर छाप है, खाली
शुक्रिया डी से, समय आपको ज्यादा नहीं लेना है। अब छह गेंदे पांच रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। हल्दी का टीम महाराणा प्रताप में बड़ा अच्छुत समान मुंबई पे दिन एच आर पी 2024 आप देख रहे हैं। लाजवाब खेल, रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। हरियम ग्रुप और राजसमंद रॉयल किशन को मौका मिला बल्लेबाजी करने के लिए और विजेश ने 36 रनों की एक उम्दा पारी अपनी टीम के लिए, शानदार बल्लेबाजी। लेकिन इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट, गेंदर बल्ले के बीच चिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में थोड़ा फर्क हुआ। शंकर अपने बॉलिंग पार्ट पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। आखिरी छह गेंदे और पांच रनों की जरूरत है। थर्ड मैन पॉइंट काबा, एक खिलाड़ी स्ट्राइक आउट पर, एक लॉन्ग ऑफ पर, लॉन्ग ऑन मिड विकेट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, फाइन लेग पर अभी तो कोई खिलाड़ी दिखाई नहीं दे रहा है। हवा में खेलते हुए स्ट्राइक कवर क्षेत्र में एक रन लेने का मौका, दूसरी के बारे में सोच रहे। खराब फील्डिंग, बहुत ही खराब फील्डिंग और उसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने दो रन मुकम्मल किए। चार गेंद, पांच गेंदों का खेल और पांच गेंदों में जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत है। चार्पेल 2024 बहुत ही बेहतरीन आयोजन इस प्रतियोगिता का। राइट आर्म ओवर द विकेट, टप्पा खाने के बाद उछलता हवा में गेंद आउट, बिग विकेट। शानदार मुकाबला, चार गेंदे तीन रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। विकेट आने से कपैक करने का मौका मिलता है हरिओम ग्रुप टीम को। एक अच्छा बॉल, एक ड्रीम बॉल आप डालेंगे तो मजा आएगा। नए बैटर मैदान के अंदर आए शंभू, गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज शंकर, 49 तीन विकेट के नुकसान पर। इस बार खेलना चाहते थे, ऑफसाइड पर गेंद आई इस वक्त मैदान क्षेत्र में, तो एक रन लेने का मौका सिंगल के साथ। 50 रन पूरे हुए हैं राजसमंद रॉयल के, 50 रन पूरे। आपके पास तीन गेंदे दो रनों की जरूरत, तीन गेंदे शेष दो रनों की जरूरत है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है किशन शंकर। एक अच्छी गेंद भाई, एक अच्छी गेंद आपको डालनी है, फील्डिंग भी थोड़ी बेहतर होने की जरूरत है। हल्दी का टीम महाराणा प्रताप में राजपूत समाज मुंबई पे दिन चार पेल 2024 खेलेगा समाज, जीतेगा समाज। बाहर गेंद हवा में थी लेकिन अच्छी फील्डिंग नहीं है, दो रन लेने का प्रयास और ये दो रन मुकम्मल किए। तो राजसमंद रॉयल कंग्रेचुलेशन, देखिए ये सेलिब्रेशन देखिए। मैच समाप्त, दो रन अगर पूरे हो गए तो मैच समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। आइए आइए सेलिब्रेशन, वन शॉट वन शॉट वन शॉट वन शॉट, कहानी में एक बार फिर रुकी है, फिर रुकी है वन शॉट। अनिल कुमार ने यही सवाल पूछा, क्या दो रन पूरे हो गए, लेकिन स्क्वायर लेग पर अंपायर ने कहा कि भाई वन शॉट है। आपके पास अगर देखे तो गेंदे को बात करें तो गेंदे शेष है, यहां से दो गेंदे और एक रन की जरूरत है। कान में ट्विस्ट, पिक्चर है सुपर हिट, बेहतरीन मुकाबला मैदान के अंदर। और ये विकेट, बहुत महत्वपूर्ण विकेट गिर गया, क्या बात है, क्या मुकाबला चल रहा है। एक गेंद और एक रन की जरूरत।
शानदार मुकाबला मैदान के अंदर, बहुत ही जबरदस्त मैच। एक गेंद और जीतने के लिए एक रन की जरूरत है। क्या मुकाबला टाई होगा, क्या सुपर ओवर देखने का मौका मिलेगा। रोचकता बरकरार, जीत का मोहरा, शत्र की चाल, हारा तो जिंदगी, जीता तो कमाल। बारी की नारा और इसी के साथ सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा। राजसमंद कहां भाग के जा रहे भाई, पूरा मैदान घूमने के लिए। ये देखिए मोमेंट, हीलिंग मोमेंट है ये। सोनू पाए क्या आपने, क्या क्लब के उसके बाद में मैच समाप्त किया, फिनिश किया है, सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा। अमर साहब का स्वागत चाहूंगा। आपको टॉस बॉक्स की तरफ आना है। एक पैसा वसूल मैच समाप्त हुआ, दर्शक ही देखने के लिए आते हैं।